बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरीद वज़ीर और आप देख रहे हैं वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिनने सब्सक्राइब किया है उससे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके मोबाइल में इंटरनेट सर्विस स्लो चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ कि उससे आपका इंटरनेट सर्विस 50% तेज चलेगा। तो सबसे पहले आप अपने सेटिंग में डेट एंड टाइम सेटिंग को सेट कर लें कि अगर आपका टाइम जो है वो सेट नहीं है तो इस वजह से आपके इंटरनेट सर्विस जो है वो हो सकता है कि स्लो चल रहा है। तो मैं यहाँ से सेटिंग में मोर सेटिंग पे इसको टच करता हूँ, मोर सेटिंग पे, और यहाँ मोर सेटिंग में जो डेट एंड टाइम का सेटिंग है यहाँ इसको टच करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो ऑटो वाला ऑप्शन है इसको ऑन करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो डेट एंड टाइम का जो सेटिंग है वो नेटवर्क की तरफ से जो सेटिंग हो रहा है वो सेट होगा। और दूसरी बात ये है कि आप अपने मोबाइल को चेक कर ले कि आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में कुछ ऐसे ऐप्स तो नहीं है कि वो अभी रनिंग में है, तो इसको बंद करना चाहिए। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ ये वाले और इस तरह ये प्ले स्टोर वाले ऐप्स हैं, ये अभी तो रनिंग में है, मैंने इसको बंद किया। और तीसरी बात ये है कि आप अपने यूट्यूब को चेक कर ले कि यूट्यूब में कोई डाउनलोडिंग तो नहीं हो रही है। तो आप यहाँ से यूट्यूब को ओपन कर लें और यूट्यूब के जो डाउनलोडिंग है उसको चेक कर लें लाइब्रेरी में, और यहाँ पे डाउनलोडिंग में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और इसके बाद आपका मोबाइल हो सकता है कि इससे भी तेज़ हो। और आखिर में जो सेटिंग है वो बुनियादी बहुत बेसिक सेटिंग है जिसे हम कहते हैं एस पॉइंट सेटिंग, यानी एपीएस सेटिंग जिसे कहलाते हैं। तो इसकी सेटिंग कर ले आप, सेटिंग में जाइए, यहाँ से मैं यहाँ सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में, और इसके बाद एसएस पॉइंट जो एपीएन इसके ब्रैकेट में बंद किया हुआ है इस पर टच करें। और इसके बाद आप अगर आपके पास पुराना जो एस पॉइंट नेम जो है वो जो सेटिंग है वो चल रहा है इसमें स्लो है, तो आप ऐसा कर लें कि नया आईपीएन सेटिंग बना लें। तो न्यू आईपीएन सेटिंग पे क्लिक करें, और यहाँ से मैं जैज जीपीआरएस इसको ओके करें, और इसके बाद एपीएन पे क्लिक करें। एपीएन में जैज कनेक्टो डॉट मूवलिंक वर्ल्ड डॉट कॉम, यानी जैज कनेक्टो डॉट मूवलिंक वर्ल्ड डॉट कॉम इसको ओके करें। और इसके बाद नीचे जो बैरियर सेटिंग है यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से LTE इसको सेलेक्ट करें, यानी LTE जो 4G है इसको LTE हम कहते हैं। इसके बाद इसको डन करें, और इसको ओके करें, और इसके बाद यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करें। यहाँ मैंने टच किया, आप देख सकते हैं ऊपर जो LTE 4G था वो बंद हुआ है, दोबारा वो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आप आखिर में हम अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट करें दोबारा, तो आपका मोबाइल इंशाल्लाह तेज चलेगा। तो मैं आपका दोस्त फरीद वज़ीर इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बनता है। तो मैं आपका दोस्त फरीद वज़ीर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।